माताएं कबहू उछंग कबहू पर माँ तो मन क्रम बचन अगोचर जो दशरथ अजीर विचर प्रभु सो मनसा वाणी और कर्म से जो अगोचर इंद्रियों में पकड़ आने वाला नहीं देख नहीं सकते जिसको सुन समझ नहीं सकते जिसको वो प्रभु आज प्रेमा भक्ति के कारण सो वज प्रेम भगत बस माँ कौशल्या के गोद जो माया सारे जगत को नचाती है वो माया प्रभु से भय खाती है हाथ जोड़कर खड़ी रहती है प्रभु आज्ञा जाओ। सोचिए कितना बड़ा सौभाग्य चक्रवर्ती महाराज का बड़ी अम्बा का जिनके गोद में सारे जगत के स्वामी खेल रहे हैं। बच्चों में भगवत बुद्धि रखिए जो छोटे बच्चे हैं बच्ची हैं इनमें भगवत बुद्धि रखिए ये साक्षात भगवान के प्रतिरूप हैं। कौन बच्चे? बच्चे भगवत स्वरूप हैं भगवान के रूप हैं। क्यों? अंक का माँ के अंक का बाल जब तक नहीं उतरता है तब तक बालक बालिका भगवत स्वरूप होते हैं। इनमें उत्पात नहीं होता है निर्भयता होती है अबोधता होती है अपरिग्रह होता है अचिंतता होती है ये तीनों से परे होते हैं बच्चे। आजकल तो बच्चे 3-3 साल के समझदार हो गए। हमसे बहस करेंगे आप? 3 साल का बच्चा बोलता है हमसे बहस करेंगे आप? अरे भाई कितना तू जानता है ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानता हूं यूट्यूब देखता हूं। छोटे बच्चे ऐसा बोलते हैं मैं यूट्यूब देखता हूं। सोचिए आप बच्चों को उत्पात से बचाया जाए इनमें भगवत बुद्धि रखी जाए। भगवान की साक्षात प्रतिमूर्ति है ये छोटे छोटे बच्चे बच्ची इनमें प्रीति रखी जाए इनका लालन पालन भी उसी भगवत भाव से। एक दिन की घटना है माँ ने प्रभु को स्नान कराया अमृत पान कराकर और पालने में पौढ़ा दिया। अपने इष्ट देव कुल देवता रंगनाथ स्वामी की पूजा हेतु स्नान की धूप दीप नैवेद्य आचमन करके पट बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद माँ पट खोलती हैं तो देखती हैं कि मेरा लाला जो पालने में था वो यहाँ भोग लगा रहा है। जाकर देख रही हैं तो पालने में सो भी रहा है। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा मति भ्रम मोर किया देख राम प्रभु हसि दीन मधुर मुस्कान। माँ को व्याकुल स्थिति में देखकर मेरे प्रभु मुस्कुराए मुस्कुराए तो लीला आगे बढ़ गई। तब ठाकुर ने देख रहा वा माँ तहिन जय यद्भुत रूप रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि। एक एक रोम में भगवान ने माँ को करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का दर्शन कराया। क्या देखा ये दर्शन करिए। अग्नि तर विशस शिव चतुरांगन अग्नि तर विशस
विस्मय भाव में देखकर भगवान शिष्य रूप में आ गए और वचन लिए माँ से। हरि जननी बहु विधि समझाई, यह जन कतहु कह सिसु माई। और बार बार कौशल्या विनय करे करो, अब जन कबहु प्रभु महिमा। माँ ने प्रभु को वचन दिया, सुनाओगी नहीं किसी को, और प्रभु ने माँ को वचन दिया आगे से नहीं दर्शन कराऊंगा। क्यों कराया? माँ ने सतरूपा स्वरूप में ये वर मांग लिया था, भक्तों की गति मति रहनी विवेक हमको प्राप्त हो, तो भगवान ने उस रहनी विवेक हेतु ये दर्शन करा दिया। माँ को दो बार दर्शन हुआ, भय प्रकट कृपाला, प्रकट उत्सव के समय और यहाँ शिशु विनोद के समय। चक्रवर्ती महाराज को दर्शन नहीं भया, काहे इन्होंने मनुष्य रूप में वर मांगा था, सुत विषयिक तब पद रति मोहि बड़ मूड़ कहे किन को। हाँ, पुत्र प्रेम, जगत के जीव पिता का जो पुत्र में प्रेम होता है वही मेरा आप में हो, इसलिए चक्रवर्ती महाराज को दर्शन नहीं, ब्रह्म भाव का भगवान ने नहीं दिया। एव मस्त कह दिया था तब तो। सरकार हमारे वचनबद्ध हुए माँ से, इस प्रकार यह उत्सव पूर्ण होता। अब चूड़ाकरण का समय आया, बाल उतरने का। गुरुदेव भगवान आए, मंत्र के सनिधि में भगवान और भाइयों का चूड़ाकरण संस्कार संपन्न हुआ। खेलने जाने लगे, बाहर खेलने जाने लगे, बाल उतर जाए। माताएं क्या बोलती हैं? झाला, है ना? अंग के बाल को माताएं झाला बोलती हैं। इसका बड़ा निर्वाह करना पड़ता है क्योंकि इससे जंतर मंतर बनता है। हाँ, बुआ रोकती है, माला अंगूठी लेती है, दरिद्र होगा तो कुछ नहीं देता है। हाँ, देना चाहिए तिवारी, आप कोई न दे तो अपने आप निकाल भी लेना चाहिए। हाँ, तो स्वभाव है, कंजूस से भेटाई जाए तो क्या करे आदमी, ठाकुर की जय हो। हाँ, वो कई लोगों को देने का स्वभाव नहीं, जान दे देंगे लेकिन सीताराम नहीं देंगे, बड़े विचित्र होते। तो यहाँ भगवान खेलने जाने लगे, अनेक पद गुरुदेव भगवान ने रचे हैं।